हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी, दीपहंस जयपुर से स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 117 गज में बना हुआ एक ड्यूप्लेक्स हाउस दिखाने वाला हूं, जो कि धावास से नाम से जगह है। दिल्ली अजमेर जो हाईवे है, 200 फीट बाईपास है, वैशाली नगर है, इनके नियरेस्ट ये प्रॉपर्टी है और JDA अप्रूव्ड ये विला है। एक बार यहाँ से आप एक बार एलिवेशन देख लीजिए विला का। दो यूनिट यहाँ पे बनाई हुई है, जिनमें से एक यूनिट अभी अवेलेबल है। ईस्ट फेसिंग की ये प्रॉपर्टी है। और बात करें अपन यहाँ पे एक बार सामने की लोकेलिटी की, तो लोकेलिटी आप यहाँ से देख लीजिए, पूरी बसावट वाली जगह है। बहुत ही अच्छे अच्छे मकान आसपास बने हुए हैं। और रोड की बात करें तो 40 फीट का विला के सामने से रोड है। यहाँ से एक बार सामने का व्यू आप देख सकते हो। गेट काफ़ी हेवी आपको यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। साथ ही साइड का जो जगह है ये देख लीजिए आप, बढ़िया यहाँ पे ग्लास यहाँ लगाया हुआ है। एक शानदार सा विला यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अब चलते हैं अपन यहाँ से अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे पोर्च का एरिया। और पोर्च का जो एरिया है बहुत ही बड़ी साइज में आपको यहाँ पे मिल जाता है। लगभग 14x20 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे पोर्च का एरिया मिलने वाला है, जहाँ इजीली आप दो कार पार्क कर सकते हो, बड़ी गाड़ी भी आराम से आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे अपन हाइट की बात करें घर की, तो एक बार हाइट आप देख लीजिए, काफ़ी प्यारी आपको यहाँ पर हाइट मिल जाती है। 3BHK का ये विला है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बेडरूम किचन हॉल मिलता है, और ऊपर के फ्लोर पे यहाँ पे दो बेडरूम मिल जाएंगे। सामने का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया ग्लास और वुडन का वर्क यहाँ पे मिल जाता है। अंदर की तरफ इनमें ग्रिल का यूज किया हुआ है। और गेट जो है आपको यहाँ पे डबल लगा के दिए जा रहे हैं। बाहर की तरफ आप देख सकते हो, बढ़िया जाली का गेट लगाया हुआ है। और अंदर का जो गेट है, इसकी भी आप एक बार बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए। एक अलग ही कंसेप्ट में, अलग ही डिजाइन का आपको यहाँ पे गेट तैयार करके दिया जा रहा है। और अब आ चुके हैं अपन यहाँ से हॉल के एरिया में। तो हॉल का जो एरिया है 11x17 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। काफ़ी एक अच्छी साइज में आपको हॉल का ये एरिया मिल जाता है। साइड में अपन देखते हैं तो एक बार दीवार यहाँ पे वॉल देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे वॉलपेपर है। ऊपर की तरफ अपन देखते हैं तो ऊपर का एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे बढ़िया सा सीलिंग डिजाइन यहाँ पे तैयार किया हुआ है। यहाँ पे साइड में जो पोर्शन है स्टेज के नीचे का, पूरा यहाँ पे वुडन से कवर करके दिया जा रहा है। बहुत ही एक अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए मिल जाता है। और यहीं अपन देखते हैं साइड में, तो यहाँ देखिए ये आ जाता है वॉश बेसिन का एरिया। आगे का जो पोर्शन है यहाँ पे मिल जाता है आपको एलईडी पैनल के नीचे का जो स्पेस है, ये भी आपको बढ़िया सा एक स्टोरेज के लिए ड्रॉवर वगैरह यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं। तो और अब अपन देखते हैं एक बार सामने की तरफ यहाँ पे किचन का एरिया। और विला जो है अपना ईस्ट फेसिंग का है, तो किचन यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। बिल्कुल वास्तु के अनुसार बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एंट्रेंस आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस है। और किचन जो है आपको 6x11 की डायमेंशन में यहाँ पे मिल जाती है। यहीं किचन में अपन देखते हैं तो एक बार ड्रॉवर के यूनिट वगैरह आप देख लीजिए, प्रॉपर यहाँ पे बनाए हुए हैं। स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहीं अपन काउंटर टॉप की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, अच्छा सा ग्रे कलर में आपको यहाँ पे काउंटर टॉप मिल जाता है। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 1.5-2 फीट की हाइट तक आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिल जाता है। और यहाँ साइड में अपन देखते हैं तो यहाँ आप देखिए फ्रिज के लिए एक अच्छा सा स्पेस आपको यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है। एक डबल डोर फ्रिज भी आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। किचन में सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ विंडो आ जाती है, तो वेंटिलेशन घर में आपके प्रॉपर है। ऊपर की तरफ आप देखिए सीलिंग डिजाइन काफ़ी प्यारी मिल जाती है। और ये देखा अपने यहाँ पे किचन। और अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से जो यहाँ पे बेडरूम है, तो बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो हॉल से ही कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम। बाथरूम आप यहाँ पे देख सकते हो, एक अच्छी साइज में आपको यहाँ पे बाथरूम मिल जाता है। और यहाँ पे सीट्स की बात करें अपन, तो इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह की सीट आपको इस बाथरूम में यहाँ पे मिल रही है। ऊपर की तरफ अपन देखते हैं तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए अच्छा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। गीजर आपको यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, बढ़िया यहाँ पे ब्रांडेड आपको मिल जाती है फिटिंग्स। और यहाँ ये आ जाता है यहाँ पे बेडरूम।
जो कि ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। और साइज की बात करें तो 13x14 की डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। एक बहुत ही अच्छी साइज में आपको ये यहाँ पे मिल रहा है। सामने की तरफ इसमें वार्डरोब का स्पेस है। वार्डरोब आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी वुडन वार्डरोब है, स्पेशियस है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा है विंडो का प्रोविजन। अगर अपन लगाना चाहे कूलर तो यहाँ पे कूलर भी लगा सकते हैं। एक बार आप ऊपर से भी देख लीजिए, सीलिंग डिजाइन है, फैन वगैरह है, लाइटिंग है, काफ़ी अच्छा काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये आ जाता है इसमें बैकयार्ड का स्पेस। बैकयार्ड का जो स्पेस है आपको 6x14 की साइज़ में यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही एक अच्छी साइज़ में आपको यह स्टोरेज के लिए स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो ये देखा अपन ये ग्राउंड फ्लोर, और अब चलते हैं अपन यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से आपको अब बेडरूम वगैरह दिखाते हैं। अब आ चुके हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के हॉल में। तो हॉल की जो साइज़ है ये भी बहुत ही अच्छी मिल रही है आपको। 10x17 की डायमेंशन में आपको मिल जाता है ये फर्स्ट फ्लोर का हॉल। और यहाँ भी एक बार वर्क देख लीजिए आप, वॉल्स का वॉलपेपर है, ऊपर की तरफ सीलिंग डिजाइन है, सभी जगह एक अलग तरीके की आपको यहाँ पे सीलिंग डिजाइन मिल जाती है। पीछे की तरफ एक बेडरूम, एक बाथरूम है, आगे के पोर्शन में एक बेडरूम और एक बाथरूम है। यहाँ पे आप बाथरूम की साइज़ देख सकते हो, ये भी एक अच्छी साइज़ में आपको यहाँ पे मिल रहा है। वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी जा रही है। और ये आ जाता है इसमें फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जो कि 13x14 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस बेडरूम में भी मिल जाता है आपको एक वार्डरोब का स्पेस। और ऊपर की तरफ एक बार डिजाइन आप देख लीजिए, पीछे की तरफ इसमें एक यूटिलिटी स्पेस है, एक ओपन स्पेस यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो वेंटिलेशन घर में यहाँ पे प्रॉपर रहने वाला है। अब चलते हैं अपन यहाँ से विला के लास्ट बेडरूम में। तो यहाँ पे देखिए, बेडरूम में एंटर करने से पहले ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको एक ड्रेसिंग एरिया तैयार करके दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो हाइट है वहां तक आपको वार्डरोब का प्रोविजन मिल जाता है। साइज आप देख सकते हो काफी अच्छी यहाँ पे मिल रही है। साइड में लगा हुआ है मिरर। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आ जाता है बाथरूम का एरिया। बाथरूम आप देखिए यहाँ पे टाइल वर्क इसमें आपको काफी प्यारा मिल जाता है। वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगाई हुई है। और ये है इसका लास्ट बेडरूम, जो कि 10x14 की डायमेंशन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बेडरूम में अपन देखते हैं तो यहाँ साइड में आप देख सकते हो जहाँ बेड आपका लगने वाला है, उसके पीछे का पोर्शन देखिए, बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ पे आपको मिल रहा है, वुडन वर्क है। और साथ ही सीलिंग डिजाइन आप यहाँ पे देखिए, इन्हीं के जस्ट अपोजिट की साइड अपन देखते हैं तो यहाँ बढ़िया सा LED पैनल आपको मिल जाता है। साथ ही स्टोरेज के लिए स्पेस आप इसमें देख सकते हो, नीचे की तरफ ड्रॉवर वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसमें मिल जाता है आपको बालकनी का प्रोविजन। बालकनी आप यहाँ पे देख सकते हो 5x13 की साइज में आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाती है। सामने का वर्क आप यहाँ पे रेलिंग का वर्क देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्लास और SS का यूज यहाँ पे किया हुआ है। और एक बार यहाँ से भी आप लोकेलिटी देख लीजिए। तो ये देखा अपन ने एक 117 गज में बना हुआ JDA अप्रूव्ड का 3BHK का विला, जो कि धावास में बना हुआ है। आस्किंग प्राइस इसकी 75 लाख रुपए है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। अगर आप करना चाहते हो विजिट तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, वहां कॉल करके आप विजिट कर सकते हो। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।